पिता की तरफ से बेटी के लिए गाना है वो। बेटी ससुरे में रही हा तू चांद बन। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। डिंपल भूमि के पिताजी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ऐसे पिताजी हैं कि ऐसा शिक्षा दिए हैं कि मैं क्या बताऊं। स्वागत है सबसे पहले गंगा देवी। नमस्कार, और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। कैसा ख्याल आया महाराज की बेटी को एक ऐसे गायक बना दिए कि हर जगह एकदम चर्चा हो रहा है डिंपल भूमि का। एक्चुअली बचपन से तो मेरा शौक था गाने में, संगीत में काफी मेरी रुचि थी, लेकिन जैसा कि पहले जमाने में गांव देहात में थोड़ा सा इसको हेय दृष्टि से लोग देखते थे, तो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था, समाज से भी नहीं मिला, तो मेरी इच्छा दबी की दबी रह गई। लेकिन मन में था कि मेरे कोई बच्चे होंगे, उस योग्य होंगे, तो उसमें से किसी न किसी एक को करूंगा। और इसमें डिंपल पकड़ाई, ये मंच पर गाती है तो लगता है कि मैं गा रहा हूँ। अच्छा, एक ही बच्ची है डिंपल खाली? नहीं, मेरी तीन बेटियां हैं। लड़का? लड़के दो हैं। अच्छा, तो लड़की को डिंपल जी को ही क्यों चुन लिया आपने? क्या कुछ खास नजर आया? नहीं नहीं, मैंने तो तलाशा सब में। अच्छा, बड़ी बेटी थी उसमें भी मैंने तलाश किया, उसकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि होती थी, इसमें थोड़ी कम थी जी। तो वो इसमें नहीं हो पाई, समय के अनुसार उसका घर बस गया। मंझली बेटी को भी इसमें चुना तो सिंगर बनने के बजाय राइटर बन गई, वो अच्छे गीत उत लिखती है। हाँ। कई उसके गीत लिखे हुए डिंपल गाती है। छोटी बेटी मतलब कि राइटर है? राइटर है। अच्छा, और डिंपल से बड़ा एक लड़का है, तो उसको रुचि केवल गाने सुनने में है, गाने में नहीं है। और तो अंत में वो डिंपल चूंकि स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी या एनुअल फंक्शन में गाना गाती थी, तो एक फंक्शन में अच्छा गाई, तो स्कूल के टीचर्स ने कहा कि सर डिंपल तो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाई है। तो मेरे मन में थोड़ा सा कौतूहल हुआ, उत्सुकता जगी, मैंने बुलाकर सुना, लगा कि ये लड़की सुरीली है, कुछ कर सकती है, जो मेरा सपना है, जो मर रहा था, ये शायद उसको जिंदा कर सकती है। तो मैंने इससे पूछा इसकी रुचि जाना, इसकी अभिरुचि को देखा, तो मैं इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे गुरुओं को बुलाना और उनके साथ समय देना, फिर इसको मंच कैसे करोगे कैसे करोगे सारी तालीम देना। गुरुजी तो सिखाते थे, सुनील पाठक इसके गुरुजी हैं। मार भी खाई हूँ। और मार भी काफी खाई हूँ। कौन मारता था? पिताजी। जब मैं छोटी थी मतलब तो कभी कभी प्रैक्टिस नहीं करती थी, और पापा को था कि नियमित रूप से डेली प्रैक्टिस करो, सुबह शाम प्रैक्टिस करना है तभी आगे बढ़ना है। और मैं क्या करती थी कि मतलब शुरू में अचानक बच्चे खेलने कूदने वाले, मैं तो ऐसे ही गाती थी, अंताक्षरी वगैरह हुआ तो गाती थी, और अचानक से मुझे मिला सारे गामा पद निशा एकदम नोटेशन राग वगैरह गाने का, तो बड़ा हिटक की भगवान इसको याद करो फिर गाओ, तो नहीं करती थी, पता चलता था कि प्रैक्टिस नहीं की है तो थप्पड़ थप्पड़ मार पड़ती थी। लेकिन चलो, उसका एक अच्छा मतलब नतीजा हुआ कि आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ और आप लोग मुझे जान भी रहे, वरना मैं प्रैक्टिस छोड़ चुकी होती और इस लाइन से पता नहीं कहाँ होती। अच्छा, कितना खुश है आप बेटी के नाम से पिता को जाना जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पिता के नाम से बेटियों को जाना जाता है, और जब एक पिता के लिए बेटी नाम बन जाती है, सिंपल भूमि के ये पिताजी है, कैसा लगता है आपको? यही जानकर बहुत अच्छा लगता है, यही सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और मैं बच्चों को इसको भी यही कहकर मैं इनकरेज किया करता था कि अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो लोग यही कहते रह जाएंगे कि अरुण बाबू की बेटी है, तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी, तुम लोग की पहचान तो फिर मेरे नाम से होगी, तो तुम्हारा क्या अचीवमेंट होगा? काम ऐसा करो, मेहनत ऐसा करो कि तुम्हारे नाम से जब हमको लोग जाने, जब हमको लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि डिंपल जी के पिताजी हैं, तब हमको खुशी होगी। और आज ऐसा ही होता है, जहां कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप डिंपल जी के पिताजी हैं, और तब हमको यहाँ बैठाए वहां बैठाए कैसे करें, ये जानकर बड़ी खुशी। नहीं तो भगाइयों देता लोग, देखना उन्हें देता प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे अच्छे मंच तक तो वहां तक तो नहीं ही पहुंच पाते जहां ये जाती है, चूंकि कई बड़े बड़े अफसर भी हैं, जहाँ तो वहां तो जहाँ कहते हैं कि परिंदे भी पर नहीं मारते हैं, ऐसे जगहों में भी जा करके और कार्यक्रम किए, पीछे ही नजर आते हैं हर जगह, हमारा हर वीडियो में जब देखिए हम बनाए जितने गाने उसमें पीछे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि इसका साहस बना रहे हर तरह का, इसको कहीं ऐसा न हो
तो साहस बढ़ाने के लिए, इसका उत्साह बढ़ाने के लिए और रहते हैं, चूंकि अब है और इसमें है तो लगता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसको हम आगे बढ़ा सके और देश दुनिया में अब अपना नाम, मेरा नाम न करके, समाज के नाम न करके राज्य का नाम करे, देश का नाम करे, दुनिया में नाम करे, कि तब और खुशी होगी जब दुनिया जानेगी कि भारत की बेटी आई है, भारत की बेटी आई है, तब सीना और पिता का चौड़ा होगा और चौड़ा हो जाएगा। और यही मेरी तमन्ना है और यही ईश्वर से कामना है और इसीलिए मैं इसके साथ मेहनत करवाता हूँ। अभी भी जैसा बोली कि प्रैक्टिस के लिए, मैं अभी भी कहीं प्रोग्राम नहीं रहता और एक दो दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाते हैं तो फोन करके मैं पूछता हूँ टाइम पर कि प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं। अगर बोलती है कि कर रही, तो मैं बोलता हूँ कि हारमोनियम की आवाज नहीं आ रही है। प्रैक्टिस की क्या जरूरत है महाराज, इतने ऑलरेडी तो गाना गा रही है, इतने अच्छे, इतने साफ है। नहीं, संगीत अगर आप ये रिपोर्टिंग करना छोड़ दे कि मैं तो भैया अब तो रिपोर्टर बन गया, आप अब रिपोर्टिंग डेली हमेशा नहीं करें, प्रैक्टिस छूट जाए, रोज प्रैक्टिस है तो है, रोज वही तो कह रही हूँ, तो आप तो बोल ही नहीं पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे महाराज। आप गा रही है लगातार मन से, एक से गाने स्टूडियो से गाने लगातार आ रहे, तो आपकी यही तो प्रैक्टिस है कि आप डेली बोल रहे हैं, आपको पता है, कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप भी लगातार तो गाना गा रही है स्टूडियो से मन से, तो प्रैक्टिस आप क्या जरूरत है। बोलने में और गाने में काफी फर्क होता है, डायरेक्ट गाना नहीं गा सकते ना मंच पे, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है कौन सा सुर कहां इधर उधर ना हो जाए, तो बिना प्रैक्टिस के आजकल तो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बिना प्रैक्टिस के गा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर किसी काम में। अच्छा ये बताइए, शादी उदी कब कर रहे हैं? अच्छा एक ही ना, शादी तो है ही, बेटियां तो पराये धन ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि आज तक लड़का कमारा रहा लेकिन लड़की कोई कुंवारी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये माता पिता के लिए खुशी का त्योहार है कि जब पगड़ी बांध के पूरा एकदम टाइट से सीना चौड़ा करके, मतलब लड़की नहीं, जब शादी करेंगे तो लगेगा कि लड़का का शादी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो शादी तो होगी ही समय आने पर, अभी उतना उम्र भी नहीं हुआ है और थोड़ी इसमें कैरियर और थोड़ा ही अपना बना ले, उसके बाद तो शादी। तो कैसा लड़का खोजेंगे, कैसा? तो अभी तो ऐसा कुछ अभी है नहीं, लेकिन हर कोई चाहता है कि लड़का सबसे पहले तो नौकरी वाला खोजेंगे। नौकरी चाकरी कोई माने नहीं रखता, जैसे डीएम हो, अफसर हो, कोई बड़ा, ऐसा कोई माने नहीं, पुलिस विभाग में ऐसा कोई माने नहीं रखता है। सबसे पहला जरूरी चीज है कि लड़का सुशील हो, वो व्यावहारिक हो, व्यवहार का अच्छा हो, परिवार को समझ सके, परिवार की अहमियत को समझ सके कि जिस लाइन में हमारी होने वाली जो पत्नी आ रही है तो उसके साथ साथ हमारा भी नाम हो, हम उसको और आगे ले जाएं, तो ये सबसे उत्तम है। बाकी धन संपत्ति तो मायने नहीं, वो आने जाने की, वो तो आती जाती रहती है, पद आने जाने, आज है कल नहीं रहे, सबसे बड़ी चीज है जो प्रतिष्ठा। पद से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, लेकिन प्रतिष्ठा से पद मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, स्कूल के आप टीचर रहे हैं तो क्या गाना वाना भी आप गाते थे? बचपन से तो मैं गाता था स्कूल में जब विद्यार्थी था। मतलब शिक्षक देते थे तो गाते थे। उसमें एक गाना सुना दीजिए हमारे दर्शक। डिंपल जी के महाराज इतने बड़े कलाकार के आप पिताजी, एक लाइन तो बनता है जरूर। जहां आदमी बिकाला उ बाजार ना कहाला। बहुत सुंदर। अच्छा क्या ख्याल आया कि मतलब कि आप एक अलग ही सांचा में आप डिंपल भूमि को ढाले, जो कि बहुत सारे लोग हैं ना कि अश्लीलता से भर भर गए हैं? नहीं नहीं, ये तो डिंपल इसका शरीर रहा, इसका शरीर एक अलग है, लेकिन डिंपल भूमि में तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये प्रतिमूर्ति, मैं मानता हूं कि मैं नहीं हूं वहां पर डिंपल गा रही है। गाने में कमियां होती है तो मेरे दिल को कचोट लगता है कि मैंने गलती कर दिया, अच्छा गाती है तो मेरा लगता है कि मैंने यहाँ पर अच्छा गाई है वहां पर, तो ऐसा लगता है। और जहां तक लोग अपने हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनके बच्चे गाते हैं तो उन्हें उसकी प्रशंसा खुद करते होंगे, लेकिन मैं बैठ करके इसकी कमियों को देखता हूँ, कहाँ कहाँ कमी की, कहाँ कहाँ और होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, और उसके बाद घर में जा करके इस पर डिस्कस करते हैं और इसको बोलते हैं कि यहाँ पर आप इसको और थोड़ा देख लीजिए, अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह से धीरे धीरे अच्छा होना है। गार्जियन का जो काम है, गार्जियन का जो फर्ज है, वो मैं निभाता हूँ। डिंपल जी एक गाना पिता के लिए हो जाए, ऐसे ऐसे पिता बहुत कम मिलते हैं, क्या क्या लगता है अपने पिताजी के बारे में कुछ कहेंगे? आपने इतना कुछ कहवा लिया, मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है, तो एक गाना ही गा दीजिए।
पिता के लिए तो सारे गाने ही उनके ही लिए मैं गा रही हूँ, लेकिन एक बड़ा बन के बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, सबके पुतरी के बेचवा परान बन के, सबके पुतरी के बेचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, ए बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के। ये तुम्हारा रोने वाला गाना गा दिया, ऐसा गाना गाएगी पिता रोने लगेंगे। पिता और पुत्र पुत्री का रिश्ता ही ऐसा होता है, रोने वाला है, धार्मिक इमोशनल होता है, हंसने वाला नहीं है। हंसने वाला भी है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे बेटी और ऐसे पिता को, मेरा सलूट है। गायक तो बहुत देखे होंगे, गायक लगातार हम दिखाते रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे गायक बहुत कम मिलेंगे। हमारी भोजपुरी की डिंपल भूमि है, इनके पिताजी है, इनके गाने जाइए सर्च मारिए, इनके गाने देखिए, और उसके बाद हमको बोलिए कमेंट बॉक्स में, जरूर ये बताइएगा कि जो मैं ये बातें बताया इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा, राय अपना जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।